आज हम बनाएंगे भगर का खिचड़ी, वराई का खिचड़ी या सामा खिचड़ी, जो उपवास में चलता है। अभी श्रावण मास शुरू होने वाला है, तो उपवास के लिए हमें कुछ रोज नया नया चीज चाहिए। तो आज हम वराई की खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। वो बहुत इजी है। तो हम सामग्री देख लेंगे। यहाँ पे मैंने वराई लिया है, जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है। थोड़ा सा मिर्ची लिया है, 3-4, आधा नींबू, शेंगदाना, जीरा, नमक। आप सिंधालू भी यूज कर सकते हैं इसमें, फास्टिंग वाला नमक भी। और ये है ब्लैक पेपर, आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं, या तो लाल मिर्ची पाउडर भी यूज करते हैं, आपकी चॉइस से है। हल्दी और थोड़ा सा अदरक और करी पत्ता। अभी हम एक पैन में तेल रखेंगे, थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून तेल रखेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 टेबल स्पून एक पैन में तेल रखा है गरम होने को। इसमें हम पहले सेंगदाना भून लेंगे। सेंगदाना को पहले फ्राई कर लिया तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको पहले डाल रही हूँ। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे वापस। और इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा के साथ अदरक भी डाल देंगे और मिर्ची को भी फ्राई कर देंगे। अच्छे से अदरक और मिर्ची को पहले फ्राई होने देंगे। उसके बाद करी पत्ता डाल देंगे। अभी हमारे पास जो वराई है उसको भी हम ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हमारे पास जो फ्राई किया हुआ सेंगदाना है उसको ऐड कर देंगे। और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें हम अभी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि वराई को है हमको पकाना है, तो हम उसमें पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स भी हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास जितना पानी ऐड किया है और थोड़ा सा डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। मैंने 300 ग्राम वराई पे 300 ml पानी डाला है। अभी थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। आप चाहे तो रेड चिली भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग फास्ट के दिन रेड चिली नहीं खाते, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज किया है। थोड़ा सा नींबू आधा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको।
पानी गर्म हो जाए तब तक हम फास्ट गैस रखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा स्लो कर देंगे गैस को और इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। मैं इसके ऊपर 5 से 7 मिनट तक ढक्कन डाल दूंगी और अभी गैस को मैं स्लो कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं जो वराई का खिचड़ी है वो रेडी हो गया है, उसको मैंने उतार लिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छे से वराई का खिचड़ी जो बन गया है उसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे हम और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी एक प्लेट ले लेंगे, जिसमें मैं वराई का खिचड़ी निकाल दूंगी। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी भी। और इसको इसको हम गरम गरम चटनी के साथ खा सकते हैं। अभी हमारा रेडी है वराई खिचड़ी।